बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हमारे सामने कंपनी डायरेक्टर का चैप्टर जेन में रखिएगा। यहाँ पे हम कंपनी लॉ की एप्लीकेशन देखने हैं डायरेक्टर रिलेटेड। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल नहीं देख रहे हैं डायरेक्टर रिलेटेड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट थोड़ी सी एक्सपेंशन में भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, वो वाइडर होती है। कंपनी लॉ अगर स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं तो देख लिया करें। अगर डायरेक्टर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया कि वेदर इट्स कम फ्रॉम मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर कंपनी लॉ। अभी देखते हैं कि डायरेक्टर डायरेक्टर इज अ पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल आर डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी की संबंध क्या हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ हम कहते हैं डायरेक्टर इज अ पर्सन हु हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। यानी जिसके पास ये राइट है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जा सकता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में नहीं जा सकता, कई लोग बाय डेजिग्नेशन डायरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो ग्रो कर 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 आप फाइनेंस डायरेक्टर बन जाते हैं। ये बाय डेजिग्नेशन हैं आप मैनेजर, लेकिन ये कि अगर आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर वो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जा सकता है। अगर आपके पास राइट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जा सकते हैं, राइट है, ड्यूटी नहीं है। इस तरह से पीएन पानी के गिलास पकड़ाने भी चला जाता है, वो ड्यूटी दे रहा है, वो राइट नहीं है उसका। तो अगर आपके पास राइट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डायरेक्टर्स की मीटिंग में जा सकते हैं, तो देन आप जो है वो डायरेक्टर है। ये यानी आपका जॉब टाइटल नहीं है। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वो सिंगल डायरेक्टर कंपनी भी हो सकती है कि उसका एक डायरेक्टर भी हो, तो कोई चक्कर नहीं है। मैक्सिमम जितने मर्जी आर्टिकल में ना मैक्सिमम लिमिट लिखी हो, वरना जितने मर्जी डायरेक्टर हो सकते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके एटलीस्ट दो डायरेक्टर होना जरूरी है, कम अज कम। ज्यादा पे कोई लिमिट है नहीं, आर्टिकल में लिमिट लगाई जा सकती है कि आर्टिकल में क्या लिमिट है। और एक दूसरी टर्म बोली जाती है कंपनी ऑफिसर्स। कंपनी ऑफिसर्स डायरेक्टर भी कंपनी ऑफिसर होता है और एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। जिस तरह हम मतलब जो है ना किसी को आपका अपना पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेते हैं, तो ऐसे कंपनी भी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका भी सेक्रेटरी होता है और ये सेक्रेटरी बाई लॉ होता है। ठीक, तो कंपनी सेक्रेटरी भी जो ये लीगल पोजिशन होती है, इस पर फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में आनी। तो डायरेक्टर भी कंपनी के ऑफिसर होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी कंपनी का ऑफिसर होता है, और कंपनी की हाई मैनेजमेंट चाहे वो एम्प्लॉई हो वो भी कंपनी के ऑफिसर से होते हैं। कंपनी के ऑफिसर जरा वाइडर टर्म है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे एमडी भी कहते हैं, सीईओ भी कहते हैं, हर कंपनी जो है वो किसी पर्सन को जो है वो किसी डायरेक्टर को नॉर्मली ये डायरेक्टर आपस में जितने भी डायरेक्टर होते हैं उन्हीं डायरेक्टर्स में से किसी पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं। ये शेयर होल्डर ने अपॉइंट नहीं करने होते, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर से होती है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सा होता है कि जो डे टू डे बिजनेस को के ऑपरेशन का हेड होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का हेड होता है। यानी जो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसे कहते हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे हम बात करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का हेड होता है।
यानी कि जिन्होंने बिजनेस के मैटर्स को एग्जीक्यूट करना होता है, इसे मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ठीक, फिर एक लफ्ज होता है चेयरमैन। चेयरमैन जो होता है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्योंकि कई डायरेक्टर एग्जेक्टिव होते हैं, कई नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं। ये चेयरमैन जो होता है, ये नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर नॉर्मली होता है। ये नॉर्मली क्या, अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसको कंपल्सरी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। ये चेयरमैन जो है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को हेड करता है, और उसके अलावा शेयर होल्डर की जो मीटिंग्स होती है ना, उन्हें जनरल मीटिंग कहते हैं। जनरल मीटिंग को हेड करना भी चेयरमैन होता है। चेयरमैन अपॉइंट करना है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ठीक, करते हैं इसे डायरेक्टर ही अपॉइंट है, लेकिन इसकी पावर्स, इसकी ड्यूटी, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकते, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है, वो उसके सर्विस एग्रीमेंट में लिखा होता है, क्योंकि वो इम्प्लाई भी होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इम्प्लाई भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, लेकिन वो कंपनी के इम्प्लाईज नहीं होते। फिर यहाँ पे दो लफ्ज मैंने यूज किए, डी जूरे डायरेक्टर और डी फैक्टो डायरेक्टर। डी जूरे डायरेक्टर वो होते हैं जो प्रॉपरली एक्सप्रेसली अपॉइंटेड बाई शेयर होल्डर, अपॉइंटेड बाई कंपनी। अच्छे, जब हम कंपनी कहते हैं, पहले भी मैंने आपको ये डिफाइंड किया था, कंपनी का मतलब होता है कलेक्टिव शेयर होल्डर, यानी जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर को हम कंपनी कहते हैं। जब भी हम कहते हैं ना जी अपॉइंटेड बाई कंपनी, इसका मतलब अपॉइंटेड बाई शेयर होल्डर, यानी मेंबर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एंड कंपनी, ये तीनों लफ्ज हमेशा सेम है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो डी जूरे डायरेक्टर वो होते हैं जो एक्सप्रेसली अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, की शेयर होल्डर ऑफ कंपनी जिन लोगों को एक्सप्रेसली अपॉइंटेड करती है। और डी फैक्टो डायरेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टर की तरह एक्शन तो परफॉर्म करते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी जाते हैं, डायरेक्टर पार्टिसिपेशन डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, लोगों को लगता है डायरेक्टर, लेकिन वो एक्सप्रेसली डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं है, उन्हें किसी ने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया। डायरेक्टर का वो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी ने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, वो ऐसे डायरेक्टर को डिफेक्टो डायरेक्टर कहते हैं। फिर अल्टरनेट डायरेक्टर, इसे प्रॉक्सी कहते हैं। प्रॉक्सी का मतलब, जैसे आप आपकी क्लास में नहीं आए, तो आपने किसी दूसरे स्टूडेंट से कहा मेरी अटेंडेंस बोल रहा, तो ये प्रॉक्सी है ना, वो बोलेगा। तो ऐसे ही अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी भी वजह से, वो उसकी फिजिकल रीजन है, कहीं पे वो कहीं पे दूसरी जगह गया होगा, तो ऐसी सूरत में वो अल्टरनेट पर्सन को अपनी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में भेज देता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और वोट भी दे सकता है। तो वो अपनी जगह किसी को भी भेजेगा, तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर होगा, जो अब मतलब एक्चुअल डायरेक्टर की जगह उसकी प्रॉक्सी होती है, ये अल्टरनेट डायरेक्टर होता है। अच्छा, नॉर्मली एक डायरेक्टर ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे डायरेक्टर को कह देता है मेरी जगह तू पार्टिसिपेट कर, वो भी अपनी जगह भी करता खुद भी, और इसकी जगह भी वो सारे मैटर देखता, लेकिन कई मरतबा एक्सटर्नल पर्सन को भी कह दिया जाता है कि ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को मेरे पे आप पे जो है अटेंड करो, इसे अल्टरनेट डायरेक्टर।
अब शैडो डायरेक्टर, लोग शैडो डायरेक्टर को कंफ्यूज करते हैं डीफेक्टो डायरेक्टर के साथ। इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैंने कहा था डीफेक्टो डायरेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हुए लेकिन डायरेक्टर वाले काम करते हैं, और शैडो डायरेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं होते, ये भी नहीं अपॉइंट होते, लेकिन इनके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कि ये बाकी डायरेक्टर्स पे है, उन शेयर्स की वजह से इन्फ्लुएंस कर। जैसे एक पर्सन के पास 20% शेयर्स है तो इसका मतलब उसके पास 20% वोट्स है, तो बाकी डायरेक्टर की जब भी मीटिंग होगी तो इसकी जो भी एडवाइसेस होंगी उसको कंसीडर किया जाएगा, हालांकि ये डायरेक्टर अपॉइंट नहीं है, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग पे इन्फ्लुएंस कर सकता है पर्सन ड्यू टू देयर वोटिंग राइट। जबकि जो डिफेक्टो डायरेक्टर उसके पास वोटिंग राइट होना जरूरी नहीं है, जबकि शैडो के पास इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग राइट होती है। इस इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग राइट की नॉर्मल ऐसे होते हैं, कई लोग शेयर खरीद लेते हैं, इन्फ्लुएंसिंग भी होते हैं, लेकिन बीइंग अ डायरेक्टर कई ड्यूटीज होती हैं वो उस ड्यूटीज से अवॉइड करना चाहते हैं, कई लाइबिलिटीज होती हैं वो उनसे अवॉइड करने के चक्कर में प्रॉपरली एक्सप्रेसली डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस करते हैं। कि दोनों डिफरेंट चीजें होती है, शैडो और डिफेक्टो। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझने वाली बात है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू इन वन होते हैं कि एक तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा इनके पास ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, डे टू डे बिजनेस के वर्किंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, मे बी लीगल मैटर में, मे बी फाइनेंस मैटर में, किसी भी मैटर में, जो डेली बिजनेस पे डेली बिजनेस रूटीन में काम भी करते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में भी जाते हैं। ये टू इन वन होते हैं क्योंकि जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जाते हैं तो ये डायरेक्टर है, जब डेली वर्क परफॉर्म करते हैं तो फिर ये इम्प्लाई है। इनके दो रिलेशन कंपनी के साथ होते हैं, ट्विन के डायरेक्टर प्लस इम्प्लाई, ये डायरेक्टर भी होते हैं और इम्प्लाईज भी होते हैं। ठीक, ये फुल टाइम वर्क परफॉर्म करते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक रोल में, जैसे फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, किसी भी तरह ये डायरेक्टर भी अपॉइंटेड और इम्प्लाई भी अपॉइंटेड है, तो इस वजह से इनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बड़े चांसेस होते हैं। क्योंकि कुछ देखिए ना, एक चीज एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव है और एक इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये नॉर्मल चीज है कि आपस में जो है कोई ना कोई कंफ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं। कई मरतबा ये अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को जो है वो फोकस कर देते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पसे पुष्ट डाल देते हैं। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं कि जो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में तो जाते हैं, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी में दूसरे डायरेक्टर की मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करते हैं, इनसे मतलब लेवल ऑफ इंटेग्रिटी प्रोबिटी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक, इंडिपेंडेंट नॉर्मली ये होते हैं कि कोई कंपनी के साथ इनका कोई फाइनेंशियल कंसर्न नहीं होता।
तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जाते हैं, लेकिन डे टू डे कंपनी के में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करते हो, डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते। और कई मरतबा ऐसा होता है कि किसी दूसरी कंपनी के एग्जेक्टिव होते हैं और आप वाली कंपनी के ये नॉन एग्जेक्टिव होते हैं, यानी इनका पूरा स्ट्रेटेजिक विजन जो है वो होता है, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होना जरूरी है। कंपनी लॉ ये नहीं कहता कि एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव दोनों का होना जरूरी है, कंपनी लॉ कहता है डायरेक्टर हो चाहे वो एग्जेक्टिव हो चाहे नॉन एग्जेक्टिव, जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं एग्जेक्टिव भी हो नॉन एग्जेक्टिव भी हो, और नॉन एग्जेक्टिव की तादाद एग्जेक्टिव के तकरीबन बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाता है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनीज के किसको कहते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की जो है मतलब डायरेक्शन मतलब जो है वो देखते हैं, और शेयर होल्डर इनको मतलब जो है वो अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, नॉर्मली हर शेयर के साथ एक वोट होता है, तो वोट कास्ट करके जितने लोगों को भी डायरेक्टर इलेक्ट किया जाता है उनको कंबाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी पावर क्या है, ये लिखी होती है किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनकी ड्यूटीज क्या है, ये कंपनी लॉ में भी डिफाइंड होती है कि कंपनी लॉ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती है कि ये इन लोगों ने क्या परफॉर्म करना क्या नहीं परफॉर्म करना, और ये कि इसकी ड्यूटीज और पावर्स पे हमने बात करनी है, बड़ी लंबी चौड़ी इसकी ड्यूटीज एंड पावर्स होती है। मेंबर ऑफ डायरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट वन डायरेक्टर, पब्लिक लिमिटेड में जो है वो एटलीस्ट टू डायरेक्टर होने जरूरी है, ठीक। हाँ, शेयर होल्डर प्राइवेट और पब्लिक सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, शेयर होल्डर एक एक भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में एक डायरेक्टर, पब्लिक में दो डायरेक्टर, मैक्सिमम पे किसी किस्म की जो है डायरेक्टर पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, मैक्सिमम लिमिट नहीं हो सकती। हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा है कि डायरेक्टर 10 होंगे तो फिर 10 होंगे, आर्टिकल में लिमिट हो सकती, स्टेचुटरी लिमिट है नहीं, बाई लॉ नहीं है। और डायरेक्टर नेचुरल पर्सन हो सकता यानी ह्यूमन बींग, ये नहीं हो सकता एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती, आर्टिकल पर्सन जो है वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, देखिए कंपनी के जो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर तो वो लोग होते हैं जो जब कंपनी की हमने फॉर्मेशन की थी वो चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था कंपनी स्टेटमेंट ऑफ ऑफिसर भी सबमिट कराती है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उस वक्त जिनके नाम उस स्टेटमेंट ऑफ ऑफिसर्स में लिखे होते हैं रजिस्टर्ड कराते वक्त, जब रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं तो वो कंपनी जैसे ही फॉर्म होती है वो ऑटोमेटिकली कंपनी के जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर हो जाते हैं। अगला मसला ये होता है सबसीक्वेंट डायरेक्टर, बाद के डायरेक्टर, जब कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं तो उसके बाद जब भी शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, इसे जनरल मीटिंग कहते हैं, तो जितने डायरेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो जाएंगे, रिटायर्ड कह ले रिमूव कह ले खत्म हो जाएंगे, और उस वक्त फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होगी और शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, यानी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर कर सकते हैं। इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है,
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है 50% प्लस मेजोरिटी से, चाहे 50.1% से डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है, ऑर्डिनरी नोटिस होता है कि नॉर्मल नोटिस इनविटेशन देके नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर अपॉइंट कर ले। अगर आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको 7 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं ना, तो उसके लिए 7 रेजोल्यूशन होंगे, हर डायरेक्टर की सेपरेट रेजोल्यूशन हो, यानी एक ही वोटिंग में सारे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, हर डायरेक्टर के लिए सेपरेट वोटिंग जो है वो लास्ट में है। अच्छा, डायरेक्टर जो है वो कितने शेयर होल्डर ने अपॉइंट होते हैं, लेकिन कई मरतबा डायरेक्टर को ऑप्शन से भी होते हैं। को ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते, लेकिन ये तब कर सकते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर परमिशन है, देन डायरेक्टर भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन पे है। नॉर्मली ये परमिशन दी जाती है उस सूरत में जो ड्यूरिंग पीरियड होता है ना, ड्यूरिंग ईयर, अगर कोई डायरेक्टर रिमूव हो जाए या रिटायर्ड हो जाए, तो उस वक्त वक्ती तौर पर टेम्परेली तौर पर को ऑप्शन के थ्रू जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक, तो बहरहाल वरना ये कि करना किसने, शेयर होल्डर ने। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखिए यहाँ पे ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं ना, तो उसका लिमिट, उसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता, वो कितने पीरियड के लिए डायरेक्टर है। ठीक, यानी कि वो 10 साल भी, 5 साल भी, 20 साल भी जो है वो चल सकते हैं। हाँ, आर्टिकल में अगर डिफाइंड हो कि डायरेक्टर इतने पीरियड के लिए, तो वो फिर आर्टिकल को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि डायरेक्टर की एक चीज होती है, अपॉइंटमेंट होती है, एक लफ्ज होता है बाई रोटेशन, बाई रोटेशन, रोटेट। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट, मतलब हम कहते हैं जी, मतलब मैक्सिमम 3 साल के बाद डायरेक्टर, पुराने डायरेक्टर की जगह न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना जो है वो जरूरी होता है। न्यू डायरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन नया, वो पर्सन भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है दोबारा, उसकी जगह कोई नया पर्सन भी डायरेक्टर हो सकता है, यानी रोटेशन, रिटायरमेंट हो जाती है, यानी मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर है। ठीक, जबकि जो होती है ना अपॉइंटमेंट प्राइवेट में, तो ये डायरेक्टर बाई रोटेशन जो है ये आर्टिकल में से उड़ा देते, खत्म कर देते, इसलिए जो डायरेक्टर बनता वो फिर परमानेंट डायरेक्टर होता जब तक कि शेयर होल्डर जो है वो उसको रिमूव ना कर दे। शेयर होल्डर की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिमूवल होती है, शेयर होल्डर कर सकते। पब्लिसिटी, यानी डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को पब्लिसिटी कहते हैं। कंपनी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसे पब्लिसिटी कहते हैं। जब न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट होता है तो उसकी 14 डेज में उसका नोटिस देना जरूरी होता है। किसको देना? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जहां पर कंपनी रजिस्टर कराई, विदिन 14 डेज आपको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है कि न्यू डायरेक्टर कौन सा है, उसकी नेशनलिटी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी एज क्या है, ये देनी जरूरी होती है। फिर एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर, एज लिमिट जो है वो यूके लॉ के अकॉर्डिंग 16 ईयर मिनिमम एज रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज पे कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैक्सिमम मतलब जो है आर्टिकल में तो हो सकती है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, यानी खुद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी लॉ की तरफ से कोई रिटायरमेंट की एज
नहीं है, आर्टिकल में अगर आप लगाना चाहें तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का मुआवजा, देखें डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो होता है उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक। फिर ये कि वो ये दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द डायरेक्टर एग्री टू पर्सनली परफॉर्म सर्विस फॉर द कंपनी, ठीक। डायरेक्टर इंटेंडेड होते हैं कि उन्होंने फी लेनी है या अपने एक्सपेंसेस लेने हैं, या फिर एम्यूलमेंट होता है। एम्यूलमेंट क्या होता है कि डायरेक्टर जो है लॉस ऑफ ऑफिस, यानी कि जैसे डायरेक्टर को जब टर्मिनेट रिमूव किया जाता है तो इसे लॉस ऑफ ऑफिस कहते हैं। तो ऐसी सूरत में उसको क्या मिलेगा, तो रेम्यूनरेशन में उनकी फी भी होती है, डायरेक्टर खुद पर्सनली एक्सपेंस करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो उस एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट भी होती है। एम्यूलमेंट भी होता है कि उसका सर्विस एग्रीमेंट ब्रेक होगा तो तब उनको क्या दिया जाएगा, और ये बकायदा डायरेक्टर सर्विस एग्रीमेंट के रजिस्टर्ड में ये चीजें मेंशन होती है, और कोई भी पर्सन इसको स्टडी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। शेयर होल्डर के पास राइट होते हैं और डायरेक्टर को प्रॉपर डायरेक्टर से रिलेटेड रेम्यूनरेशन रिपोर्ट पब्लिश भी करनी पड़ती है ताकि सबको पता चल सके। डायरेक्टर एक्सपेंसिव, डायरेक्टर रीइंबर्स कर सकते हैं रीजनेबल एक्सपेंसेस जो उसने, लेकिन वो रीजनेबल एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड विद द कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कि उस कंपनी के क्यों कैरी करने खातर जो एक्सपेंस उन्होंने किए हैं तो वो उसको जो है वो मतलब जो है रीइंबर्स कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय भी है, उनके पास तो एक्सपेंसेस की लिमिट होती है, वो अकॉर्डिंग टू सर्विस एग्रीमेंट होती है, जो कुछ उनके सर्विस एग्रीमेंट में लिखा हो। तो वो ये कि ये अपना वो अकॉर्डिंग टू सर्विस एग्रीमेंट जो है वो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ले सकते हैं, अमेलमेंट है जो कुछ उसमें डिफाइंड है उनके सर्विस एग्रीमेंट में ले सकते हैं। वेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर लॉन्गर देन 2 ईयर देन ऑर्डरली रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय द मेंबर ऑफ कंपनी दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज विद, जहां पे 2 साल से ऊपर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट हो तो फिर रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कंपनसेशन फॉर अमेलमेंट है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस अगर तो आप डायरेक्टर को रिमूव करते हैं ड्यूरिंग उसकी मतलब सर्विस पीरियड, तो उस कंपनसेशन उसे देनी पड़ती है, लॉस ऑफ ऑफिस की कोई अमाउंट देनी पड़ती है। ये कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस शेयर होल्डर मीटिंग में प्रेजेंट की जाती है, अगर शेयर होल्डर मीट अगर पहले से प्री डिफाइंड ना हो, पहले से तय ना हो, शेयर होल्डर मीटिंग में फिर ये प्रेजेंट की जाती है, और शेयर होल्डर अगर इससे एग्री करते हैं, इसे अप्रूव करते हैं, तो फिर डायरेक्टर्स को जो है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलती है। लेकिन अगर ये पहले डायरेक्टर के सर्विस एग्रीमेंट में पहले एग्रीड है पहले, तो फिर उसके लिए ये शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि सर्विस एग्रीमेंट तो अबे करना जो है वो जरूरी होता है। अगर सर्विस एग्रीमेंट में नहीं है तो कंपनसेशन फॉर ऑफिस के लिए शेयर होल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, अगर पहले से सर्विस एग्रीमेंट में मौजूद है देन आप उसको डायरेक्टर को वो कंपनसेशन जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्टर की ये सर्विस एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट में ये बात वो है कि जो बींग अ डायरेक्टर बींग अ एम्प्लॉई
जो उनका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो उसमें जो कुछ लिखा वो तो फॉलो करना पड़ेगा बीइंग एन एम्प्लॉय, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय भी होता है और डायरेक्टर भी होता है। डायरेक्टर के तौर पर सर्विस एग्रीमेंट और एम्प्लॉय के तौर पर एम्प्लॉयमेंट है कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन रिपोर्ट, तो डायरेक्टर को के रिलेटेड जो है रेम्यूनरेशन रिपोर्ट देनी पड़ती है कि डायरेक्टर को जो है वो उसकी फी क्या है, एक्सपेंसिस रिप्लेसमेंट क्या है, उसके लॉस ऑफ ऑफिस, उसकी एंटरटेनमेंट, जो भी उसके एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड है इस पर रिपोर्ट देनी पड़ती है। ठीक, ये ड्यूटी होती है स्पेशली लिस्टेड कंपनी की ये प्रेजेंट करने की। अच्छा, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन रिपोर्ट शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट की जाए तो शेयर होल्डर इसको जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते, अप्रूव कर सकते हो तो चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने कुछ एतराज किया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब होता है कि सिर्फ डायरेक्टर को क्लियर हो जाए इस बात का कि शेयर होल्डर इस रेम्यूनरेशन पे विलिंग नहीं है, वो इसको पसंद नहीं कर रहे। इसमें बकायदा हर डायरेक्टर की इंडिविजुअल जो है उसका रेम्यूनरेशन पैकेज, इंडिविजुअल हर पर्सन का जो है सेपरेट पैकेज जो है वो बनाया जाता है। और इस ये डायरेक्टर के मतलब इंडिविजुअल रेम्यूनरेशन या तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखो तो रेम्यूनरेशन कमिटी डिसाइड करती है, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है कि रेम्यूनरेशन को डिसाइड कर सके। इंस्पेक्शन ऑफ डायरेक्टर सर्विस एग्रीमेंट, ये तो पहले मैंने बताया कि ये डायरेक्टर का सर्विस एग्रीमेंट हेड ऑफिस में पड़ा होता है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़ा होता है या कोई डेजिग्नेटेड प्लेस पर, तो कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टर का सर्विस एग्रीमेंट जो है वो देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी फ्री कॉपी ले सकता है। और ये कि डायरेक्टर का अगर सर्विस एक्सपायर भी हो जाए तो फिर भी उस एक्सपायरी के बाद भी 1 ईयर तक ये सर्विस एग्रीमेंट जो है वो हमेशा लिखना रखना पड़ता है, यानी रिटेंशन पॉलिसी होती है। फौरी तौर पर आप वो डॉक्यूमेंट वेस्ट नहीं कर सकते, 1 ईयर तक आपको जो है लिखना पड़ता है। ठीक, वकेशन ऑफ ऑफिस, ऑफिस जब वकेट होता खाली होता, वकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर इज नो मोर डायरेक्टर, अब वो डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर की वकेशन ऑफ ऑफिस कब हो जाती है, जब वो रिजाइन कर, उसके मतलब डायरेक्टर खुद रिजाइन कर देते हैं, उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल कोई मजबूरी होती है, नॉट गोइंग फॉर री इलेक्शन, के एक मरतबा डायरेक्टर का उसका पीरियड खत्म हो गया, नेक्स्ट वो री इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, या डायरेक्टर की डेथ होती है, ज़ाहिर सर्विस परफॉर्म नहीं कर सकता, कंपनी डिसॉल्व हो जाए, बंद कर दे, रिमूवल, शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव करके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, या डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो जाए फॉर डायरेक्टरशिप, ये प्रॉपर एक टॉपिक है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, अभी हम पढ़ेंगे। रिटायरमेंट एंड री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, मैंने कहा कि डायरेक्टर जो पहले जब पहले कंपनी के ऑफिसर होते हैं, ये पहले बात हुई है, कंपनी के फर्स्ट ऑफिसर होते हैं जो जिनका स्टेटमेंट ऑफ ऑफिसर के नाम में नाम होता है, वो पहली जनरल मीटिंग जब होती है सारे रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर की तो उसमें न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, फिर न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर इनकी रोटेशन चलती है, कि मैंने बताया कि मैक्सिमम 3 मंथ ईयर का पीरियड है कि जब फिर डायरेक्टर पे वोट डाला जाता है। ठीक, नॉर्मली हम कहते होते हैं कि 1/3 मेजोरिटी जो डायरेक्टर की होती है वो हर साल रिटायर्ड होती है, उसकी जगह री इलेक्शन होता है,
one third retired re-election, one third retired re-election, इस तरह ये चीजें चलते हैं ताकि कंसिस्टेंसी ऑफ बोर्ड भी जो है ए, मतलब जो है कंसिस्टेंसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्टिविटीज भी चलती रहे। तो ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिमूव कौन कर सकते हैं? शेयर होल्डर डेफिनेटली, इसके अलावा तो कोई हाल नहीं है। ठीक, आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा होता है शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जो है डायरेक्टर को जो है वो किसी वक्त भी रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्टर, देखिए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बातें याद रखने वाली होती है, अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए और ऑर्डिनरी नोटिस चाहिए। ये आगे एक चैप्टर होना शेयर होल्डर मीटिंग का, उसमें डिस्कस होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी नोटिस। लेकिन रिमूवल के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पे 50% प्लस मेजोरिटी, लेकिन स्पेशल नोटिस चाहिए। इसके लिए स्पेशल नोटिस होता, ऑर्डिनरी नोटिस नहीं होता। इसके लिए स्पेशल नोटिस की बेसिस पे डायरेक्टर को जो है वो रिमूव किया जा सकता है। अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टर फर्दर किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ना इस कंपनी का ना किसी और कंपनी का, कि वो मैनेजमेंट सीट के लिए डायरेक्टरशिप के लिए जो है वो डिसक्वालिफाई हो गया। अब देखिए ना, एक मॉडल आर्टिकल है, आपको पता है ना मॉडल आर्टिकल का, पहले हमारी बात हुई थी कि मॉडल आर्टिकल क्या होता है कि कंपनी अगर अपना आर्टिकल नहीं प्रिपेयर करती तो कंपनी लॉ की तरफ से बना हुआ कोई आर्टिकल बाय डिफॉल्ट उनका आर्टिकल बन सकता है, उस आर्टिकल को मॉडल आर्टिकल कहते हैं। ठीक, मॉडल आर्टिकल के मुताबिक तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड बाय एक्ट आर एनी रूल ऑफ लॉ, एक्ट का मतलब कानून की वजह से डायरेक्टर द्वारा, ये प्रॉपर अभी हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफाई किस रीजन से होता है, यानी रूल ऑफ लॉ, किसी कानून की वजह से डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई होता है। अच्छा, अगर डायरेक्टर बैंक करप्ट हो जाए, यानी उसके एसेट्स कम हो, उसकी लाइबिलिटीज पर्सनल ज्यादा हो, तो फिर भी डायरेक्टर जो है डिस्क्वालिफाई हो जाता है। और अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अगर कोई स्टेटमेंट दे दी कि ये पर्सन फर्दर वर्क के काबल नहीं है, मतलब इसकी फिजिकल कंडीशन वर्किंग की इजाजत नहीं देती, फिर भी डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालिफाई हो जाता है। और अगर वो खुद नोटिस दे दे तो फिर भी डिस्क्वालिफाई हो जाता है। और अगर डायरेक्टर एबसेंट हो डायरेक्टर मीटिंग में से कंसेक्टिव 3 मंथ्स विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अगर वो डिस्क्वालिफाई हो मतलब किसी भी मीटिंग से, तो ऐसी सूरत में मीटिंग 3 मंथ हुआ ना आए बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, तो ऐसी सूरत में भी फर्दर डायरेक्टरशिप के लिए जो है डिस्क्वालिफाई हो जाता है। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाई हो जाए और डिस्क्वालिफाई होने के बाद वो डायरेक्टरशिप करता रहे, छोड़े ना, बताए किसी को ना, चलता रहे, तो ऐसी सूरत में जो फर्दर कंपनी की लाइबिलिटी होगी उसके लिए वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल भी हो जाएगा। यहाँ पे लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी कि वो फिर फर्दर कंपनी की लाइबिलिटीज के लिए पर्सनली लायबल। फिर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर स्टैट्यूट कानून के तहत, इसमें याद रखना ये कंपनी लॉ नहीं है, ये कंपनी डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट होता है CDDA, ये एक अलहदा लॉ है। जब डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे यही पूछेगा तो कंपनी डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के अंडर क्या है, कंपनी एक्ट के अंडर नहीं है कि कौन कौन सी चीजों पर डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालिफाई हो सकता है।
अब देखिए, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ इंडिक्टेबल ऑफेंस, ठीक, इंडिक्टेबल ऑफेंस मतलब उसको कहते हैं जो काबिले गिरफ्त है, ठीक। सीरियस ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है जुर्म, कि उसने कुछ जुर्म किया है, ठीक, कनेक्टेड विद द कंपनी, कुछ सीरियस ऑफेंस किया कंपनी से रिलेटेड, ये इंडिक्टेबल ऑफेंस वो होते हैं। ये अभी हमने लास्ट पीछे चैप्टर पढ़ने हैं कि जो क्राउन कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट की किस्में होती है अदालतों की, जो क्राउन कोर्ट में प्रोसीड होते हैं क्राइम, उन्हें इंडिक्टेबल ऑफेंस कहते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो डायरेक्टर 15 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई होता है, यानी 15 ईयर वो किसी भी मतलब कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक। और अगर कोई बहुत सीरियस क्राइम ना हो, समरली हो, समरली का मतलब होता है स्मॉल जुर्म, छोटा जुर्म, तो ऐसी सूरत में 5 ईयर की पाबंदी है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता, फर्दर 5 ईयर किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर पर्सन इन परसिस्टेंट डिफॉल्ट इन रिलेशन द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, एक डायरेक्टर अगर कंसिस्टेंटली कंपनी लॉ में कंपनी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कंपनी लॉस के जितने रूल एंड रेगुलेशन अभी हमने पढ़े हैं और जो फर्दर पढ़ने हैं, तो उनमें से कहीं पर कंसिस्टेंट वो फॉलो नहीं करता। कंसिस्टेंट में ये होता है कि अगर 5 ईयर में 3 टाइम फॉलो ना करे तो इसे कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट फॉलो नहीं करता, ठीक। जैसे वो होता है ना कि डायरेक्टर्स की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा करानी है, एनुअल मेंबर्स रिपोर्ट भी जमा करानी है, डायरेक्टर चेंज होते हैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट भी जमा करानी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर डायरेक्टर ऐसा नहीं करता कंसिस्टेंटली, मतलब जो है वो प्रोविजन ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं चलता, तो फिर वो डिस्क्वालिफाई हो जाता है। कंजेक्टिव द फाइव द पर्सन गिल्टी ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, यहां पर फ्रॉडुलेंट भी है रॉन्गफुल भी। लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मैंने ये पढ़ाया था कि फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग वो होती है कि जब कंपनी चलने की पोजीशन में ना हो लेकिन डायरेक्टर क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन कंपनी चलाते रहे, तो ये फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग है। और रॉन्गफुल ट्रेडिंग कौन सी होती है कि कंपनी चलने की पोजीशन में नहीं है, डायरेक्टर को पता है और फिर भी वैसे ही कंपनी को चलाते जाए, तो वो डायरेक्ट रॉन्गफुल ट्रेडिंग है। तो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग हो या रॉन्गफुल ट्रेडिंग हो, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इसका भी 15 ईयर का पीरियड। और इस तरह अगर डायरेक्टर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, यानी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे ये भी बात हुई थी लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट कौन सा होता है, जैसे कंपनी एनिमी कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रही है, ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जो मतलब लोगों की हेल्थ को जिसका इशू हो सकता है, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता फॉर 15 ईयर। डायरेक्टर कंपटीशन वायलेशन में इन्वॉल्व है, कंपटीशन वायलेशन मतलब कौन सी होती है कि जब आप कंपेटिटर के साथ जो मतलब कंपटीशन कर रहे होते, तो फिर ये कि आपके पास रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कंपटीशन में फेयर बेसिस पे होते हैं, आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, आप किसी पे ऑफेंसिव नहीं मतलब ऐड नहीं दे सकते, या डायरेक्टर जो है वो खुद कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है कि कंपनी से कंपिटिटिव बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो 15 ईयर के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अच्छा जी, रॉन्गफुल ट्रेडिंग आ गया जी, रॉन्गफुल ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व हुआ तो डिस्क्वालीफाई फॉर 15 ईयर हो जाता है।
बेसिस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, बेसिस ऑफ कोर्ट ऑर्डर क्या होना है कि ये यानी कि डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जिसने कंपनी को रजिस्टर किया। कंपनी का रजिस्टर जो है रजिस्ट्रार उस चीज को एग्जामिन करने के बाद वो फिर ये है कि ये अप्लाई कर देता है कहाँ पे, कोर्ट में डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक, फिर कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है अगर तो ग्राउंड मतलब जो ऐसी है वो डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन देती है। कम अज कम डिस्क्वालिफिकेशन का जो अरसा होता है वो 2 ईयर का होता है। ठीक, उसके अलावा ऑफेंस फॉर विच डायरेक्टर हैव बीन डिस्क्वालिफाइड, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड किस किस बेस पे हो सकते हैं, इनसाइडर डीलिंग। अब इनसाइडर डीलिंग बकायदा कंपनी क्राइम का चैप्टर आगे आना उस पर बात है। इनसाइडर डीलिंग ये होती है कि कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन की बेस पे जो डिस्क्लोज नहीं है उस की बेस पे आप शेयर की बाइंग सेलिंग करो, तो इसे इनसाइडर डीलिंग कहते हैं। शेयर बाय करो या सेल करो, ठीक, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ना रखे, ठीक, कंपनी के अकाउंट्स को प्रॉपर रीड ना करें, लोन ले लेकिन इस पर्पज के लिए कंपनी पर्पज के अलावा किसी और पर्पज के लिए जो कंपनी लोन ले, या लोन टू एसोसिएटेड कंपनी ऑन अनकमर्शियल टर्म, क्या अपने अपने से रिलेटेड कंपनीज को अनकमर्शियल टर्म का मतलब होता है मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देना शुरू कर दे, तो ये क्राइम होते हैं, ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस का मतलब क्राइम। ऐसी सूरत में डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड मैंने बताया कि नॉर्मल अगर हो तो कम अज कम भी 2 साल तो होते हैं, 2 से 5 साल भी हो सकता है, और फिर ये कि 6 से 10 साल 15 साल तक जो है वो पीरियड जो है वो किसी भी सूरत में जा सकता है। 6 से 10 साल सूरत में ऑफेंस की सूरत में चला जाता है, बाकी जो प्री डिसाइड डिस्क्राइब पहले कहे हैं 15 ईयर तो वो 15 ईयर का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड होगा। मिटिगेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मिटिगेट का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिड्यूस करना, मिटिगेट का मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे डायरेक्टर अपने जैसे देखे ना कोर्ट इस चीज में है कि उसको 15 ईयर डिस्क्वालिफाई किया जाए, लेकिन डायरेक्टर इस चीज को मिटिगेट करना चाहते हैं, रिड्यूस कराना चाहते हैं पीरियड, तो ऐसी सूरत में जो है उनको प्रूफ करना पड़ता है जैसे लैक ऑफ डिसऑनेस्टी कि नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, लेकिन हमारी इसमें डिसऑनेस्टी नहीं है। ठीक, लॉस ऑफ डायरेक्टर ओन मनी इन कंपनी के, इससे सिर्फ कंपनी को नुकसान नहीं हुआ मुझे भी नुकसान हुआ, डायरेक्टर ये भी बता दें, और या ये साबित कर देस ऑफ पर्सनल गेन कि मैंने इससे कोई जाती फायदा नहीं लिया, पर्सनल एडवांटेज नहीं लिया, या वो शो कर दे एफर्ट टू मिटिगेट द सिचुएशन कि हमने मिटिगेट करने की ट्राई की थी, एफर्ट की थी लेकिन हुआ नहीं, लाइकलीहुड ऑफ रीफंडिंग या माफी मांगने कोर्ट से कि अभी गलती होगी दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, या प्रोसीडिंग हैंगिंग ओवर डायरेक्टर फॉर लॉन्ग टाइम कि पहले केस चलते 7 साल गुजर गए तो फिर मिटिगेट हो जाएगा। प्रोसीजर मैंने बता दिया कि आपको कि कंपनी ने जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना एडमिनिस्ट्रेटर रिसीवर लिक्विडेटर, अब आपको ये लफ्ज ही नहीं पता होंगे, कंपनी जब बुरे हालात में हो ना तो कंपनी को रेस्क्यू करने के लिए बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं, ये भी आगे चैप्टर में आ, और कंपनी बुरे हालात में हो
डेट पढ़ रहे हो, तो डेट होल्डर जो है जिन्होंने डेट दी है कंपनी को, वो रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। लिक्विडेटर कंपनी को वाइंड अप करना हो तो लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट हो जाती है, यानी कंपनी के जब बुरे कोई हालात होते हैं तो ये लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कंपनी ऑफिस में ये अप्लाई करेंगे डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन का। तो डायरेक्टर वो अगर सेटिस्फाई है तो वो फर्दर कोर्ट में अप्लाई करके डायरेक्टर को जो है वो डिस्क्वालिफाई कर देंगे। फिर एक्टिंग एज अ डायरेक्टर वाइल्स डिस्क्वालिफाई, डायरेक्टर जब डिस्क्वालिफाई हो जाता है अगर फिर भी वो एक्टिंग करता रहता, काम करता रहता, वो छोड़ता नहीं काम, तो ऐसी सूरत में मैंने कहा था कि जितने भी लॉसेज होंगे फर्दर, जितनी फर्दर लाइबिलिटी अराइज होगी उसके लिए वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, यानी लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। अब फर्दर टॉपिक जो है वो पावर ऑफ डायरेक्टर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का, अभी ये डिस्कस करते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।